मॉर्निंग में बहुत पानी गिरा है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा, और इतना अच्छा मौसम हो गया है, बिल्कुल ठंडा। यहाँ पे तो ऐसे वेदर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह में देखिए 5 बज रहे थे, 5:30, इतना अच्छा मौसम था, पानी गिर रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं क्या है, तैयारी भी कर रही थी बच्चों को भेजने के लिए, और बच्चों को स्कूल भेज लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर बाद। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं कई दिनों बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ फेस टू फेस, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था, मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी और आप लोग के साथ जुड़े रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करें, और मेरे व्यूज बहुत कम हो चुके हैं, तो आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं नहाने धोने लगी, घर का जो साफ़ सफाई होता है उसको करने लगी, और टाइम हो गया था 9:30। और बिटिया को स्कूल मैंने आज नहीं भेजा, क्योंकि वो तैयार हो गई थी, लेकिन इतना तेज़ उसको बुखार आ गया, उसके सर में दर्द होने लगा, तो मैंने बोला बेटा आज मत जाओ, तो आज वो नहीं गई है। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैंने चाय नहीं बनाया है, साथ साथ में दाल भी चढ़ा दे रही हूँ, धीरे धीरे बनता रहेगा। और बारिश रुक चुका था 8 बजे, देखिए 9:30 बजे तक रोड भी सूख जाते हैं। कोई कमेंट में मुझसे बोला था कि दीदी आपके यहाँ बहुत जल्दी सूख जाते हैं जितने भी रोड वगैरह हैं, तो आपको मैं बता दूँ इधर क्या है, पथरीला जगह है, तो बहुत जल्दी पानी सूख जाता है। यहाँ पे कीचड़ वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, और देखिए पीछे का भी पानी पूरा सूख चुका है। और यहाँ पे कपड़े वगैरह जो धुले थे मैंने, जब तक चाय पक रहा है मैंने सोचा चलो अभी कपड़े सुखा लेती हूँ। और अभी चाय पक चुका है, और मुझे अभी नाश्ता करना है, बिटिया को भी कराना है, क्योंकि वो दवाई खा के अभी आराम कर रही थी, मैंने उसको सुबह ही नहला दिया था, और उसको उसका कंघी भी करना है। मॉर्निंग में मैंने सत्तू का बाटी बनाया था टिफ़िन वगैरह देने के लिए, तो वही मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ, और अभी हम मैं चल रही हूँ नाश्ता करने, तो चलिए आप सभी लोग मेरे साथ नाश्ता करें। दूध आ चुका था, तो मैं उसको सोचा मैंने कि चलो गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ, धीरे धीरे गर्म भी होते रहेगा। और इधर मैं चल के बिटिया रानी का बाल झाड़ती हूँ, और बिटिया रानी बहुत आजकल इसको चोटी करने का बहुत मन करता है, क्योंकि बाल तो अभी छोटे हैं, हो नहीं पाते हैं, लेकिन इसको बहुत शौक है कि मैं चोटी बनाऊं। और जूड़ा मैंने बनाया, तो जूड़ा उसको पसंद नहीं आया, तो उसने बोला कि मम्मा मेरा चोटी बनाओ। मैंने बोला ठीक है बेटा, रबड़ लेके आओ, मैं बनाती हूँ। तो देखिए कैसे बोलेगी, मम्मा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो चोटी बना दीजिए। बहुत उसको शौक लगता है चोटी बनाने का।
देखिए फ्रेंड, अभी भी बारिश हो ही रही है। अभी कुछ देर तो रुका था, लेकिन अभी बारिश होने स्टार्ट हो गया है और बारिश तेज ही है। भींग जाएंगे, एक्चुअली क्या है, भींग जाएंगे। अगर बारिश में जाएंगे तो भींग ही जाएंगे। पूरी सड़कें गीली है और यहाँ पे 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार नहीं, बीच बीच में रुक भी रहा है। रोज़ हो रही है, बहुत ही अच्छे से बारिश हो रही है, रोज़ हो रही है। और मौसम बिल्कुल अच्छा हो गया है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी उमस होने लग रही है ना बेटा। मौसम अच्छा हो गया ना, तबीयत ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो बिटिया रानी अभी यहीं पे खड़ी हैं बालकनी में। आज इनकी चुटिया बनाई हूँ मैं, इनको चोटी करना था। बोल रही है मम्मा, जो आप अपना उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं वैसे करिए, तो मैंने किया है। देख रहे हैं, एकदम अच्छे से चुटिया बनवाई है। बाल बहुत छोटे हैं तो बनता नहीं है, लेकिन अच्छा बना है। तो हेलो एवरीवन, अभी हो रहे हैं 4:00 और मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सारे वर्क हो चुके हैं, आराम से बैठी थी आज। और देखिए इधर बादल आ रहे हैं, बारिश होगी थोड़ी ही देर में, बहुत ज़बरदस्त बादल आ रहे हैं। और इधर मौसम साफ है अभी, और इधर देखिए इधर मौसम ख़राब हो रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं फ़िलहाल घर में। यहाँ नाइट में बेटू का हो रहा है डिनर, और डिनर मैंने बना लिया है। मॉर्निंग के हो रहे हैं 8 और देखिए कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है फ्रेंड। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इधर पानी भी आ रहा है, कब भीग गया है बालकनी। चलिए अभी चलते हैं घर में। और इधर बच्चे खाना खा रहे हैं हमारे। हाय आरो, हाय हाय बोलो, हाय नहीं बोलेगा, देखिए मोबाइल देख रहा है। हाय बोलो अंशिका, चलो